नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत में अब एक और नया मोड़ आ सकता है। जी हां, आपको बता दें कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को अब एक बेहद बड़ा झटका मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई जारी है और इस सुनवाई के बीच क्या कुछ हुआ है लगातार हम आपको अपडेट दे ही रहे हैं। 14 और 15 फरवरी के दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली और इस दौरान ना सिर्फ उद्धव ठाकरे के गुट के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की बल्कि मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के वकीलों ने भी अपनी राय प्रतिक्रिया दी और साथ ही साथ यहां पर दलीलें भी पेश की। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो तमाम बड़े बड़े सवाल भी उठाए गए हैं। ऐसे में यहां पर CJI जस्टिस चंद्रचूड की बैठक में यहाँ पर जो 5 जजेस की संवैधानिक पीठ रही, उन्होंने यहाँ पर अहम फैसले भी सुना दिए हैं। आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आपको बताना चाहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि अब उद्धव ठाकरे को बेहद बड़ा झटका ये मिल चुका है कि अब 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में 5 जजेस अपना फैसला नहीं सुनाएंगे बल्कि स्पीकर पर अब ये निर्भर करता है कि आखिरकार वह 16 विधायकों की अयोग्यता पर क्या फैसला सुनाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में जो बड़ी खबर सामने आई है उस पर अगर रुक किया जाए तो यहाँ पर ये बातें सामने आई हैं कि कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जो अहम फैसला लिया गया है, यहाँ पर ये बात सामने आई है कि अब अयोग्यता के मामले में आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। कपिल सिब्बल ने ये दलीलें दी थी लेकिन शिवसेना पर अधिकार को लेकर फिलहाल तो यहाँ पर खींचतान जारी है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले बागियों ने यहाँ पर जो सरकार गिरा दी बीते साल, अब देखा जाए तो उनमें से 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सुनवाई चल रही है। ऐसे में यहाँ पर 5 जजेस की संवैधानिक पीठ, जस्टिस M.R. शाह, जस्टिस कृष्णामूर्ति, जस्टिस हिमा कोहली और P.S. नरसिम्हा भी शामिल रहे और यहाँ पर बेंच ने ये टिप्पणी की कि कोर्ट को इस मामले में दखल देने की ज़रूरत क्या है जो एक्सक्लूसिव तौर पर स्पीकर के लिए रिजर्व है, यानी कि स्पीकर को इस मामले में अपना फैसला सुनाना चाहिए। राय हम यहाँ पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्या वाकई में 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में जो दलील पेश की गई थी उद्धव गुट की तरफ से, तो क्या अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगा और यहां पर स्पीकर का क्या कुछ अहम फैसला हो सकता है? क्या इसे हम एकनाथ शिंदे के गुट की यहां पर देखा जाए जीत के तौर पर देख सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो तमाम जजों ने अपनी बातों को रखा है उस लिहाज से देखा जाए तो ये मामला काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है और जाहिर सी बात है कि अभी तक जिस तरीके से तमाम सबूत कोर्ट के समक्ष रखे गए हैं उस लिहाज से जो है मामला काफ़ी ज़्यादा संगीन होता चला जा रहा है और कोर्ट का जो रवैया था वो सीधे तौर पर बतला रहा था कि अभी भी इसमें जो है फैसला लेने में काफ़ी ज़्यादा ताखीर हो सकती है। और जाहिर सी बात है कि जो कपिल सिब्बल उद्धव ठाकरे का पक्ष रख रहे थे कोर्ट के भीतर, उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से लगातार देरी होती चली गई तो जाहिर सी बात है कि जो सरकार को एक डर, एक जो खौफ होना चाहिए था वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब सरकार अपने कार्यकाल को पूरा कर लेगी तो उसके बाद फैसला आने के बावजूद भी जो नुकसान होना चाहिए, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि विधायकों को एक सबक मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगी। तो ये कहने के लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक चीज़ आप कह सकते हैं कि एक तरीके से गलत तरीके से कोर्ट के माध्यम से जा सकती है और इसी वजह से जो इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना चाहिए अपील जो है वो की गई कपिल सिब्बल के द्वारा। लेकिन उसके खिलाफ जिस तरीके से तर्क रखे गए हरीश सालवे ने जो तमाम बातें कही उससे भी कोर्ट के जजेस जो है वो काफी ज्यादा संतुष्ट नहीं। आपको क्या लगता है अब्रा, क्या एकनाथ शिंदे की जीत यहां पर तय मानी जा सकती है? क्या उद्धव ठाकरे का जो गुट है वह हारता हुआ दिखाई दे रहा है? एकनाथ शिंदे गुट की जीत को लेकर के यहां पर अभी अगर कहा जाए तो मामला इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, लेकिन यह बात है कि राजनीतिक रूप से एक दबाव की स्थिति जरूर है उद्धव ठाकरे गुट पर और महाराष्ट्र विधान परिषद में जिस तरीके से उन्होंने कार्यालय पर कब्जा किया, BMC के कार्यालय पर कब्जा किया, तो इस लिहाज से देखा जाए तो लगातार जो सत्ता में रहते हुए एक दबाव की स्थिति बनती है वो लगातार उद्धव ठाकरे पर बढ़ती चली जा रही है। जैसा कि यहाँ पर अबरार ने अपनी बात रखी, अब देखना यही होगा कि वाकई में यहाँ पर शिंदे गुट की जीत यहाँ पर अब तय मानी जा सकती है। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। फिलहाल PM नरेंद्र मोदी की मेहरबानी भी उन पर देखने को मिली। अब देखना यही होगा कि आखिरकार महाराष्ट्र में असली शिव सैनिक कौन कहलाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और साथ ही साथ चुनाव आयोग यहाँ पर फैसला सुनाएगा शिवसेना के मालिक पर। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।